मौलाना साहब जो हैं वो अक्सर निक्के के अब्बा का लतीफ़ा सुनाया करते थे, तो ये निक्का आजकल कौन है और उसका बाप वही है या बदल गया है? मौलाना फजल रहमान साहब वैसे तो जीरक और ज़हीन सियासतदान है ना, ये तो माना जाता है। जी, जो बैन अलाक़वामी सर्वे होते हैं उसके अंदर वो पाकिस्तान का एक नंबर का ज़हीन आ जाता है। तो जो बात वो इशारों में कह देते हैं, तो अरबी का एक मक़ूला है, लिल तकफ़ी इशारा, तो उन्होंने ये कहा निक्का और अब्बा, ये ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम निक्के दे अब्बा। तो आजकल निक्का कौन है? तो यही कह रहा हूँ ना, तो उनके उस काम ने, उस बोल ने कितना फ़ायदा दिया कौम को, आप उसका अंदाज़ा होता है। और इसका फिर माना ये हुआ कि आइंदा इस तरह का गठजोड़ कामयाब नहीं होगा निक्के का और इसके अब्बे का। अच्छा, तो आप मौलाना साहब को शुक्रिया अदा करें कि वो काम जो तोपो तफंग से नहीं होता था वो उनके एक जुमले ने कर दिया। आजकल निक्का कौन है? तो अभी इलेक्शन होने देना, निक्का पता चलेगा, निक्का भी मालूम हो जाएगा, उसका भी, अब्बे का भी मालूम हो जाएगा। मौलाना साहब वापस कब आ रहे हैं? पहले खबर चली कि लंदन में हैं, फिर तरदीद आ गई कि वहाँ पे नहीं हैं, अब है ये खबर कि वो थाईलैंड में हैं। तो क्या कोई हुकूमत से कोई बात बुरी लग गई है या कोई इदारों से नाराजगी उनकी हो गई है जो पाकिस्तान में सब छोड़ छाड़ के चले गए? इस कदर सियासी अफरा तफरी है, सियासी शख्सियत जो भी हो ना उसके अपने निजी मसरूफियात होती हैं। हालात देखें पाकिस्तान में, सियासी अफरा तफरी, मुकदमात, गिरफ्तारियाँ, मौशी तबाही, ये सब छोड़ के मौलाना साहब चले गए? थोड़ी मुकदमे नहीं, मुकदमात तो हैं, वो लोग भुगतेंगे ना, वो नहीं जाएंगे बार। भुगतना तो भुगत तो कोई भी सकता है, पाकिस्तान में तो वक्का नहीं पता चलता। अभी बारी उनकी है ना, कुछ लोगों की धमकियों से ही डर जाते हैं। मैं कहता हूँ ना, बारी उनकी है ना, ये बारियां लगी। अब मुकदमा होता और बात जाते तो आपका एतराज ठीक बैठता था, अब जिनका मुकदमे वो तो ईसीएन में डरे हुए हैं। अब मौलाना साहब ने एक जदोजहद किए 5 साल, 11-14 मिलियन मार्च किए, फिर धरना दिया, फिर जमहूरी प्रोसेस से वो हुकूमत को हटा दिया, अब थोड़ा एंजॉय करने का मौका। अच्छा, एंजॉय करने गए हैं वो, तो मुल्क के हालात ऐसे हैं कि तो वो बाहर एंजॉय करने जा सकते हैं, यहाँ आवाम महंगाई से मर रही है, मिलियन मार्च अभी याद नहीं आ रहा और एंजॉय करने बाहर चले गए। महंगाई के लिए हमने सहसाक डार साहब को रखा हुआ सर, तो अभी मिलियन मार्च महंगाइयाँ होती थी तो मौलाना साहब तो सड़कों पर मिलियन मार्च लेकर निकल पड़ते थे, अभी उनको महंगाई नहीं नजर आ रही। पोजीशन में होता है तो मिलियन मार्च और हुकूमत होते हैं तो डायलॉग। ठीक, आपने इस पे, मैं वैसे करूंगी महंगाई पे भी बात। मुझे ये बताइए कि इस वक्त इस मर्तबा जो प्लस माइनस का खेल जारी है, आपने देखा पीटीआई टूट रही है और एक नई जमात जो है उसके वजूद में आने की खबरें हैं, तो ये जो पीटीआई के हिस्से बकरे इस वक्त में हो रहे हैं, तो ये कहाँ कहाँ लोग जा सकते हैं? JUIF में लोग आ सकते हैं या आपकी तरफ कोई आना ही नहीं चाहता या आपके पास भी जगह खाली नहीं है? बाकी नहीं, नहीं, हमारे दरवाजे तो खुले होते हैं ना, ये ओपन जमात है, आता कोई नहीं है। नहीं, पहले से आपने कैसे चेक? मैं कहता हूँ हमारी जुबान ओपन है और 2-3 दर्जन के लोग MPA मैंने हमसे नजरियाती जमात कहलाती है ना आप? हाँ, हमारे यहाँ नजरियाती जमात है तो हम 75% इसी नजरियात पर काम करते हैं। ओके। लेकिन बाज़ औक़ात इलेक्टेबल लोग होते हैं ना, हाँ। उनके लिए थोड़ा स्पेस तो देना पड़ता है, तो इसके लिए हमारे पास 25% जगह होती है ताकि हम नजरियाती सफ़र भी आगे रखें, और किसी आदमी की वजह से अगर हमारे नंबर ज़्यादा होते हैं और हम वहाँ हुकूमत ले लेते हैं तो ये भी पार्लियामानी मुस्तकबिल आप कैसा देख रहे हैं? और आपको लगता है कि इमरान खान फिर कभी इक्तदार में आ सकेंगे? ये उनके जो विजडम है ना उस पर उसका इन्हिसार है, अगर इस वक्त वो ठीक फैसला कर लेता है तो ये मुस्तकबिल का एक सियासी अंसर रहेगा। अगर वो जज्बात में रहेंगे और अपनी नाक को पाकिस्तान से आगे रखेंगे और आइन से और तकबर वही होगा तो फिर आपका बड़ा तजिया सियासत में इस वक्त सही फैसला क्या हो सकता है उनकी तरफ से, क्या करना चाहिए? काश वो सामने होते हुए मैं बताता, वो क्या पता बोन जाती है, 9 मई के वाकयात को ऑन करें और माफ़ी मांग, कौम से माफ़ी मांग लें। राइट, तो अगर अब इलेक्शंस होते हैं उससे पहले मरियम नवाज़ लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही थी, तो क्या यही वो लेवल प्लेइंग फील्ड है कि उनके रास्ते का जो कांटा है सबसे बड़ा वो अब साफ़ हो रहा है और मौलाना साहब का जो सबसे सियासी दुश्मन है सबसे बड़ा वो भी किनारे लग रहा है, यही वो लेवल प्लेइंग फील्ड थी जो चाहिए थी? देखा ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकती ना। मैं नहीं समझता कि भुट्टो साहब के बाद कोई हकीकी सियासत हुई है, या तो गमला लाया गया उसमें पूर रखा गया ना, इससे आवाम की आवाज़ को दबा दिया गया। ठीक, ख़ास तौर पर जब आप मईशत की बात करते हैं तो उसका नवाज शरीफ 2017 के जाने से देखेंगे ना,
अब ये हकीकी सियासत तो नहीं हो रही। तो जिस तरह लोग आ रहे हैं वो साइंस का एक कानून है ना, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो जिस जोर से फुटबॉल को फेंकेंगे तो उसी तरह होगा ना। हम पीटीआई के हिस्से बखरे पर खुश नहीं, ठीक है। पीटीआई के लोगों को अपनी वहदत कायम रखनी चाहिए, सफदरबंदी करनी चाहिए। हम एक ही बात पे नाराज हैं कि वहां टच नहीं करना चाहिए जब मुल्क की रियासत और सालिमियत की बात हो। बिल्कुल ठीक है, और ये कोई बात नहीं, वो सियासत करें। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो जाहिर है आप सोचते होंगे अगले इलेक्शन में भी आपकी हुकूमत बने, अब ऐसा ना हो कि आप लोग मेहनत करते रह जाएं और जो कोई नई जिस नई पार्टी की बातें हो रही हैं वो उससे आखिर में आपका जोड़ पड़ जाए और वो जीत जाए और बदनामी भी आपके हिस्से में आ गई और मेहनत भी रायगा चली जाए, ऐसे तो नहीं होगा। हर एक आदमी अपने लिए बेहतर ही सोचता है, हम अपने लिए बेहतर सोचते हैं, वो अपने बेहतर सोचते हैं, असल मामला तो आवाम के पास है ना। आप अपने बात बतानी है, मैं इस नजरियात के लिए आ रहा हूँ, ठीक है, मेरा ये एजेंडा और ये एजेंडा है। अगर लोग आपको पसंद करते हैं तो फिर आप आ जाएं, और लोग आपको पसंद नहीं करते तो लोगों के पसंद के मुताबिक अपने आप को बना लें।